Hello everyone. Today, in the current affairs topic, we are going to discuss about Rabindranath Tagore because 7th May is celebrated as the birth anniversary of Rabindranath Tagore. So, let's come to the basic introduction. On 7th May 1861, he was born in Calcutta and died on 7th August 1941 in Calcutta only. He is the Bengali poet and novelist and also known as the modern reformer of India. He has composed around 2000 poems which are called Ravindra Sangeet. और यह poems उन्होंने भानु शिम्हा नाम के pen name से लिखी गई थी. Next, इनके आगे की contributions में अगर हम आते हैं तो literature में इनके contribution में इन्होंने गीतांजलि एकला चलो को लिखा जिसमें गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला गया. यह नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर एक पहले एशियन थे जिनको प्रदान किया गया था. इसके साथ ही इन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम में भी लिखने में अपना योगदान प्रदान किया है जो कि है भारत और बांग्लादेश. इसके साथ ही एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को 1921 में एस्टेब्लिश किया. यह यूनिवर्सिटी आगे चल के शांति निकेतन आश्रम के नाम से जानी जाती है जिसमें एजुकेशन पे आर्ट आर्किटेक्चर म्यूजिक एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस को के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया है. और यह यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देख सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है जितनी हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को देते हैं. थैंक यू.